में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे इनरोलमेंट आईडी नंबर से। अगर आपको आपने आधार कार्ड बनवाया है नया, या फिर आपने अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाया है, तो उसके स्लिप से आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। और उसमें आप स्टेटस चेक करें, अगर आप स्टेटस चेक करना चाहें तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहें डायरेक्ट, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे इनरोलमेंट आईडी नंबर से, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले आधार की साइट पर आ जाना है। आप सर्च बार में टाइप करेंगे UIDAI, तो आपको इस तरह से, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट आधार की इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको फ्रेंड से नीचे आना है, और यहाँ पे डाउनलोड आधार लिखा है, तो फर्स्ट पे ही मिल जाएगा गेट आधार में आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है। बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है और यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी और उसके बाद वर्चुअल आईडी। आपको जिस भी ऑप्शन से यहाँ पे डाउनलोड करना है आप कर सकते हो, और हम यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी से यहाँ पे डाउनलोड करना जानेंगे। तो यहाँ पे हम इनरोलमेंट आईडी नंबर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इनरोलमेंट आईडी नंबर से डालेंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहें तो सेम प्रक्रिया को फॉलो करके आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलिए अपना इनरोलमेंट आईडी नंबर डाल देते हैं, उसके बाद क्या करना है हम आगे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने इनरोलमेंट आईडी नंबर डाल दिया है और यहाँ पे हमने कैप्चा भी फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है, और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा है सेलेक्ट बॉर्ड, यहाँ पे 12 डिजिट, उसके बाद आधार नंबर 16 डिजिट, वर्चुअल आईडी 28 डिजिट, इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे बताया गया है। या तो आपका जो इसमें आप फिलअप करेंगे या तो 12 डिजिट का होना चाहिए, या फिर 16 का, या फिर 28 डिजिट का होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा। तो हमारे जो स्लिप होता है उसमें सिर्फ 14 डिजिट का ही नंबर होता है। तो आगे हमें क्या करना है, कैसे यहाँ पे इनवैलिड इनरोलमेंट आईडी बताता है। तो आपको डेट और टाइम, यहाँ पे जो भी डेट लिखा है डेट पहले आपको करना है, और उसके बाद आपको टाइमिंग को करना है। तो डेट में आपको ध्यान रखना है कि पहले ईयर होना चाहिए, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपका जो डे है वो यहाँ पे डालना होगा आपको। उसके बाद आपको जो टाइम है उसको सेम आप डालेंगे। जैसे कि अगर आप 2022 यानी कि 14/4/2022 कर रहे हैं, तो आपको 2022 उसके बाद 4 फिर 14 आपको डालना है। और जो डेट है 13/22/45 आपको 13/22/45 सेम डाल देना है। लेकिन डेट में आपको सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ, और उसके बाद आपको जो है डे डालना है, यानी कि डेट डालना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको जो है ये कैप्चा फिलअप करना है जैसा है वैसा ही। अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आता है तो आपको रिफ्रेश पे क्लिक करके दूसरे यहाँ पे दूसरा कैप्चा मंगा सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुल डिस्पैच योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी को डाल देना है, और उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपना जो है ओटीपी डाल दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको वेट करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है, योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड लगा होगा आपके आधार कार्ड में। तो यहाँ पे एग्जांपल पे बताया है कि अगर अनीश कुमार आपका नाम है तो डेट ऑफ बर्थ आपको आपका नाम होना चाहिए। इस तरह से देखिए पासवर्ड यहाँ पे लिखा है अनीश, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ का आपको जो ईयर है वो डालना है। अपना जो नाम है उसका 4 कैपिटल लेटर रहेगा, और जैसे कि अगर मान लो कि अनीश लिखा है तो अनीश आपको डालना है, अनीश कुमार लिखा है तो अनीश सिर्फ अनीश डालना है, यानी कि 4 अक्षर डालना है और वो भी कैपिटल लेटर में। और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल देना है, जैसे 2002-2005 आपको ये डालेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे करके बताया है कि आप कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करते हैं, और शो ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप जिस भी फॉर्मेट में इसको ओपन करना चाहें इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से रहेगा और लोडिंग ले रहा है। तो हम यहाँ पे गूगल में ओपन करने वाले हैं। गूगल में ओपन करेंगे
और उसके बाद ये गूगल में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड मांग रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे पासवर्ड जैसे हमने बताया है कि अपने नाम का 4 अक्षर कैपिटल लेटर डालना है, और अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ईयर जो है 2005 उसके बाद 1989 जो भी हो आपका लास्ट का ईयर डाल देना है 4 अंक का। उसके बाद आपको सबमिट करना है, तो आपका जो यहाँ पे आधार है उसको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।